नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों अभी बच्चों की छुट्टियां हो गई है दीपावली की, और वंदना के पापा खेत गए हुए हैं। क्लिप क्लिप बोर्ड लेके जाके क्या मैं मेरे सारे दुपट्टे ले लिए हैं, मेरी क्लिपे ले रही है और खेल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या खेल रही है। ये देखिए, खड़ी हो दिखा, किसी की बनी है तो ये देखिए क्या डिजाइन बनाई है इन्होंने, स्टाइल बना रही है। पिन क्लिप सारी ले ली। तो यहाँ पर ये पट्टियों से जो बाड़ा बनाया हुआ था ये अभी हटा रहे हैं यहाँ से, और खेत में बिजाई करेंगे। तो ये पट्टी पाड़ कर यहाँ पर भी बिजान कर देंगे। यहाँ पे जो भैंस पाटी थी उनको नोरे के अंदर बाड़ दिया है, और ये देसी स्टाइल बनाई है पट्टी को उखाड़ने की। ये रस्सी जो है इस पट्टी के अंदर डाल रहे हैं, और इस ट्रैक्टर की सहायता से इन पट्टियों को इस तरीके से उखाड़ेंगे। ये सुनील जी कोई भी मुश्किल काम को आसान करने का तरीका निकालते रहते हैं। अब इस पट्टी को उखाड़ने में अगर खोद कर निकालते तो टाइम लगता, मेहनत लगती, तो इसको भी आसान कर दिया है। आसानी से ये पट्टी उखाड़ भी ली है ट्रैक्टर की सहायता से, और जहाँ पर भी इसको रखनी होगी वहाँ से आराम से जाकर रख देंगे। तो ये यहाँ पे रख रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे लाकर आराम से रख देंगे। अभी ये दूसरी पट्टियों को इसी तरीके से उखाड़ेंगे, सभी पट्टियों को। क्यों क्या कर रहा है? ठाण ठाण था, शिफ्टिंग करा ठाण ठाण में वजन कितना वजन है? 2 क्विंटल। 2 क्विंटल से ज्यादा है ना? मैं बहुत भारी है। नो एक जुगाड़ बनाया है, जुगाड़ के देखो देखो तो सरियो जुगाड़ तो देखो, तो यहां लो जुगाड़ है, वजनदार कोई चीज है भी शिफ्टिंग करने के लिए सो बढ़िया है। दर्शक भाई अब ये ठाण उठाने में 3-4 आदमी लग जाते हैं इसको उठा के लेके जाते, तो इसकी जगह इस ट्रैक्टर को एक क्रेन बना दिया है, और ये देखिए आराम से उठा लिया है और ट्रैक्टर से ले जाएंगे। क्रेन की जरूरत ही नहीं है, ना ही कोई आदमियों को उठाकर लेकर जाने की जरूरत है। ये है देसी जुगाड़। क्या जने देख सुनील, टेट रे क्या अंगलो साजन है जेके लार तो कितना भी है लारे उजार है, उजार लगा ले बेकम पड़े। अब देख इतो सो लगे हो जुगाड़ में भारी भरकम चीज उठाने के लिए, शिफ्टिंग करने के लिए कितना आसान काम है। सुनिए सही है, भारी भरकम सामान रखने के लिए सबसे बेस्ट उपकरण है ये। सारी पट्टियाँ इसी से रखी हुई है। ये जमीन के अंदर गाड़ी हुई थी, इनको उपाड़ के यहाँ पे शिफ्ट किया। अब ये देखिए इतने लंबे लंबे लोहे के पाइप हैं, तो इनको भी लेके जा रहे हैं। मतलब कोई ऊंट गाड़ा से या ट्रैक्टर पर रखने की जरूरत नहीं है, बस इनको बांधा और लेकर जाने का भी काम यही कर रहा है। बहुत आसान कर दिया है काम को। अगर आपके पास भी ट्रैक्टर है तो आप भी इस तरीके का जुगाड़ कर सकते हैं। खेत के काम में कोई ना कोई काम पड़ता ही रहता है, तो
ये जुगाड़ आप इस तरीके से करके अपने काम को आसान कर सकते हैं, क्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना भाई भाई 36 भाई भाई 8 किलो 8 किलो है। नीचे रख दे ब्रो, दादा बाद में रख दिया। प्रदा साहब तो बहुत हार्ड वर्क करी हुए। हाँ ये बात करे खुशी ने खड़ा चला नहीं है ये काम करना, वो एंजॉय नहीं काम करने के जरा सही है। आदमी थके लोग नहीं आए नहीं करे। हाँ बोल अब तन तो जेवड़ा जेवड़ो खर्च तो स्वाद आऊ तो ला। हाँ काम जो भी करे वो एंजॉय ले, फुल एंजॉय ले रहे क्योंकि आज लाग जी ली। मार बहुत है बेटा। अबे खानो रेड है जरूर और कर दिया, जितो काम कराना भी तो शौक रहा ली। अबे रोज 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 आज कोई नहीं होनी, रोज रोज कोई नहीं चलो नहीं। ये एक ठाण और रखा हुआ था उसको भी लेकर आ गए हैं। ओ कटू ले भैया बाजार ले रहे हैं ले तो कोला के नहीं आज काम बहुत शोर हो रही है। दरमी बार को चकनो पड़ियो बिल्कुल दुकान पा रहे हैं तेने अगर तो फिर है खाली जेवड़ी घंटे लगानी है खाली और की काम कौन है रही सही रही सही काम है क्यों सपा रही सही टाइट कर ले तो काट ले दो आंगल पकड़ चढ़ी बहुत चकदा भाई आतक धीरे धीरे चक हाथ बांध दिए काट आओ हां धीरे 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 चक हाथ पर कर ले ए देखो ए चले आ फाड़ दे या ए दादर उपाड़ा जे फाड़ दे आओ उन वेल दड़े चार बट एक और है सस्तो तो हथियार है वो 5-4 हजार बने डो आओ अब देख भाई सुनील है कहा तो गदरे फिल्म का सुनील दे ओले हैंड पंप ऊपर है यहां पट्टी ऊपर सी हां चक भाई धीरे धीरे रुक 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 के हो रहा है भाई गली कौन भाई ये बेइज्जती करवा रही है बेइज्जती कौन करवा ने बस सही गली कौन जेड़ी कटी की देख। दोस्तों इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।